अगर आपने अप स्टॉक के न्यू एप्लीकेशन से रेफर करके पैसे कमाए हैं और उसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने के टाइम आपको प्रॉब्लम आ रही है और कुछ इस तरह से अनेबल टू विड्रॉ रिवार्ड्स का मैसेज देखने को मिल रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपनी रेफरल अर्निंग को बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ करेंगे वो आज की इस वीडियो में आपको मैं लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टेकविथ्यू एफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर टिक कर दें ताकि आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट और कैशबैक ऑफर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस स्टॉक के न्यू एप्लीकेशन से रेफर करके जितने पैसे आपने कमाए हैं उसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने के टाइम अगर आपको इस तरह से अनेबल टू विड्रॉ रिवार्ड्स का मैसेज शो होता है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे रेफरल अर्निंग विड्रॉ करने के टाइम अगर ये मैसेज आपको शो हो, हो रहा है तो इसका मतलब आपका अब आप स्टॉक अकाउंट फुली एक्टिवेट नहीं है अकाउंट को फुल्ली एक्टिवेट करने के लिए आपको साल में कम से कम एक बार आप स्टॉक में ट्रेड करना होगा यानी आप स्टॉक में किसी भी कंपनी का शेयर आपको बाई करना होगा तभी आपका अकाउंट फुली एक्टिवेट हो पाएगा और उसके बाद आप अपनी रेफरल अर्निंग को आसानी से अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप यहाँ अकाउंट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ ऐड फंड्स पर क्लिक करके मिनिमम हंड्रेड रुपीज़ अपने अप स्टॉक के वॉलेट में ऐड कर लेंगे फंड्स ऐड करने के बाद यहाँ माय लिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ से किसी भी कंपनी का शेयर बाई कर लेंगे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे आइडिया कंपनी का शेयर बाई करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ बाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा यहाँ प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी को ही आप सेलेक्ट रहने देंगे उसके बाद यहाँ क्वांटिटी इंटर करेंगे और नीचे रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद इस तरह से स्वाइप टू सबमिट ऑर्डर जैसे ही करेंगे तो आपका शेयर बाय हो जाएगा शेयर बाय करने के बाद 24 फोर आवर्स के अंदर आपका आप स्टॉक अकाउंट फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप अपनी रेफरल अर्निंग को बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए सिंपली अकाउंट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ रेफर एंड अर्न वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो विड्रॉएबल रिवार्ड्स में जितने पैसे आपने रेफ़र करके अर्न किए होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे इसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे विड्रॉ रिवार्ड्स पर क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पेज में यहाँ पर वो अमाउंट इंटर करेंगे जितना आपको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है मिनिमम विड्रॉ अमाउंट हंड्रेड रुपीज़ का होना चाहिए और मैक्सिमम एक बार में आप यहाँ से पाँच हज़ार तक विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट इंटर करके नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद सिंपली नीचे कंफर्म विड्रॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और अप स्टॉक की तरफ से आपको इसका एक मैसेज भी रिसीव हो जाएगा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद मैक्सिमम थ्री वर्किंग डेज के अंदर जो भी बैंक अकाउंट आपने अप स्टॉक में ऐड कर रखा होगा उस बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा इसे डन कर देंगे दोबारा से रेफर एंड अर्न वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हंड्रेड रुपीज़ जो हमने अभी विड्रॉ किया वो प्रोसेसिंग में है इस पर क्लिक करके यहाँ ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हंड्रेड रुपीज़ का विड्रॉ रिवॉर्ड्स प्रोसेसिंग में शो कर रहा है मैक्सिमम थ्री वर्किंग डेज़ में ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और अप स्टॉक की तरफ से आपको इसका एक मेल और मैसेज भी रिसीव हो जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट कर दिया गया है तो दोस्तों इस तरह से अप स्टॉक के न्यू एप्लीकेशन में आप अपनी रेफरल अर्निंग को बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें